हेलो बेटा, पिछले वीडियो में बेटा हमने क्वेश्चन 18 तक एक्सप्लेन कर दिए थे। इस वीडियो में बेटा हम क्वेश्चन 18 से आगे के क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसमें बेटा हमारा 19वां क्वेश्चन है। एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता 25 दिनों में घटकर 1/8 रह जाती है। रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता 25 दिनों में घटकर 1/8 रह जाती है। पदार्थ की अर्ध आयु की गणना कीजिए, यानी बेटा हमें पदार्थ की अर्ध आयु यानी टी हाफ यानी अर्ध आयु ज्ञात करनी है। तो सक्रियता 1/8 रह जाती है, इसका मतलब है आर अपॉन आर नॉट की वैल्यू दे रखी है। और दिन कितने हैं? 25। तो स्मॉल टी का मान कितना है? 25। तो यहाँ से बेटा हमें अर्ध आयु यानी कैपिटल टी की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालना है? कैपिटल टी। तो देखो बेटा सक्रियता कितनी है? आर अपॉन आर नॉट बराबर 1/8 है। और दिन कितने हैं? 25 दिनों में घटकर 1/8 रह जाती। अर्ध आयु यानी कैपिटल टी निकालनी है। तो हमें बेटा कैपिटल टी याद करना है, तो सबसे पहले हमें स्मॉल एन निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए हम सूत्र ले आएंगे, आर अपॉन आर नॉट बराबर 1/2। फॉर्मूला ये है, आर बराबर आर नॉट 1/2 पे पावर एन। ठीक है, तो आर अपॉन आर नॉट का मान रख देंगे 1/8, 1/2 पे पावर एन। अब 1/8 को लिख देंगे बेटा 1/2 पे पावर 3, घातों की तुलना कर देंगे तो एन बराबर कितना हो जाएगा? 3। ठीक बेटा, तो एन बराबर हो गया 3। अब यहाँ पे सूत्र लगा देंगे, एन बराबर स्मॉल टी बटे कैपिटल टी। तो यहाँ पर बेटा फॉर्मूला लगा देंगे, स्मॉल टी बटे कैपिटल टी। तो स्मॉल टी कितना है? 25। कैपिटल टी हमें ज्ञात करना है, तो टी को यहाँ इसे यहाँ लिख देंगे, तो टी बराबर 25/3 दिन। कितना आ जाएगा बेटा? 25/3 दिन। अगला है बेटा क्वेश्चन नंबर 25-20। एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता 25 दिनों में घटकर अपने प्रारंभिक मान की 1/32 रह जाती है। तो सक्रियता कितने दिनों में? 25 दिनों में। तो स्मॉल टी कितना दे रखा है? 25 दिन। अब इसमें बेटा सक्रियता कितनी रह रही है? जैसे इसमें 1/8 थी, इसमें कितनी रह रही है? 1/32। पदार्थ की अर्ध आयु की गणना कीजिए, तो यहाँ से हमें अर्ध आयु यानी कैपिटल टी फिर निकालना है। तो स्मॉल टी कितना दे रखा था? 25 दिन। सक्रियता है, एक बट्टे दो पर पावर 5 हो जाएगा 1/32। कैपिटल टी ज्ञात करना है, तो यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे, आर बराबर आर नॉट को इधर लिखते हैं, आर पॉन आर नॉट बराबर 1/2 पे पावर एन। और आर पॉन आर नॉट कितना है? 1/2 पे पावर 5। एन बराबर 5 हो जाएगा, तब सूत्र लाएंगे, स्मॉल एन बराबर स्मॉल टी बट्टे कैपिटल टी। तो एन कितना है? 5। तो टी को यहाँ 5 को यहाँ लिखेंगे, 5 का 25 हम भाग दें, कितने दिन आ जाएंगे? 5 दिन। इसके बाद बेटा 21वां क्वेश्चन है, किसी रेडियो एक्टिव स्रोत से टी बराबर 0 तथा टी बराबर 8 सेकेंड पर गणना दर क्रमशः है 1600 प्रति सेकंड तथा 100 प्रति सेकंड है। टी बराबर 6 सेकंड पर गणना दर क्या होगी? तो टी बराबर 6 सेकंड पर हमें गणना दर ज्ञात करनी है। ठीक है बेटा, तो बेटा टी बराबर 0 और टी बराबर 6 सेकंड पर, तो टी बराबर 0 पर तो 1600 प्रति सेकंड है, टी बराबर 8 सेकंड पर कितना है? 100। टी बराबर 6 सेकंड पर हमें गणना दर ज्ञात करनी है। तो शुरुआत में बेटा एन कितना दे रखा है? 100 प्रति सेकंड। एन जीरो कितना है? 1600 प्रति सेकंड। चूंकि टी वन बराबर 0 प्रारंभ हो गया और टी टू बराबर 8 सेकंड ये शेष मात्रा हो गई, तो
तो सबसे पहले बेटा हम यहाँ पे स्मॉल एन का मान निकालेंगे, तो एन बराबर एन नॉट, क्योंकि टी बराबर जीरो इसका मतलब है प्रारंभ है, और टी बराबर 8 सेकेंड इसका मतलब कुछ समय बाद। तो यहाँ पर बेटा इसीलिए एन का मान है 100 प्रति सेकेंड, एन नॉट का मान है 1600 प्रति सेकेंड, T1 0, T2 8 सेकेंड, T1 6 सेकेंड पर हमें एन निकालना है। तो यहाँ पर बेटा फॉर्मूले लगाएंगे, एन बराबर एन नॉट 1/2 पर पावर एन, एन की वैल्यू कितनी है बेटा 100, एन नॉट कितना है 1600, तो 1600 को इधर पक्षांतर कर देंगे तो बेटा 100/1600 हो जाएगा, और इधर 1/2 पर पावर एन यानी 1/2 पर पावर एन, ये 2 0 से 2 0 इसका कैंसिल हो जाएगा। 1/16 बराबर 1/2 पर पावर एन, 1/16 को लिखेंगे बेटा 1/2 पर पावर 4, घातों की क्या कर देंगे बेटा तुलना, तो घातों की तुलना करेंगे तो एन बराबर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा 4। अब एन बराबर तो 4 आ गया, तब स्मॉल एन बराबर T2/T, स्मॉल एन कितना है बेटा 4 और T2 कितना है 8, तो टी को यहाँ 4 को यहाँ लिखेंगे तो 4 का 8 से कट करेंगे तो बेटा टी कितना आ जाएगा 2 सेकेंड आ जाएगा, कितना सेकंड आ जाएगा 2 सेकंड, और यहाँ पर हमें ज्ञात कितने पर करना है 6 सेकंड पर, और आया इस अर्धायु कितनी आई है 2 सेकंड, तो इसका मतलब है 3 अर्धायु कालों के बराबर होगी। अगर हम यहाँ से अर्ध आयु काल निकालें, इसका क्या निकालें अर्ध आयु काल, तो अर्ध आयु काल स्मॉल एन बराबर स्मॉल टी बट्टे कैपिटल टी, और ये कितने सेकंड पर है 6 सेकंड पर, और आयु कितनी निकल के आई है 2, तो स्मॉल एन कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, स्मॉल एन 3 हो जाएगा, तो 2 सेकंड 3 अर्धायुओं के बराबर, मतलब 3 अर्धायुओं के पश्चात, तो एन बराबर 3 है, तो एन बराबर एन नॉट 1/2 पे पावर एन, एन नॉट कितना है 1600 था, एन नॉट कितना था बेटा 1600 था, 1/2 पे पावर 3, तो ये हो जाएगा 1/8, इससे कैंसिल कर देंगे कितना आ जाएगा बेटा 200 प्रति सेकंड, कितना आ जाएगा बेटा 200 प्रति सेकंड। ठीक है बेटा, इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 22। इसमें बेटा हमारे ये सूत्र लगे, जैसे अर्धायु एवं चयनीयतांक में संबंध, टी बराबर 0.6931/λ, माध्य आयु टाव बराबर 1/λ, अर्धायु टी बराबर 0.6931 × टाव, यहाँ पर टाव औसत आयु, कैपिटल टी है अर्धायु, और यहाँ पर ये तो औसत आयु है इसकी, लैम्डा छैनीयतांक है, लैम्डा क्या बेटा छैनीयतांक, और टी क्या है अर्ध आयु, टी क्या है अर्ध आयु। अब यहाँ पर बेटा हमें निकालना, एक रेडियो एक्टिव तत्व की अर्ध आयु 693 वर्ष है, तो अर्ध आयु यानी स्मॉल टी दे कैपिटल टी दे रखी है 693 वर्ष, छैनीयतांक की गणना यानी लैम्डा ज्ञात करना है बेटा, क्या ज्ञात करना है लैम्डा ज्ञात करना है, तो यहाँ से बेटा लैम्डा ज्ञात कर लेंगे इसका, तो टी कितना, एक कैपिटल टी कितना दे रखा है बेटा 693 वर्ष, कैपिटल टी कितना दे रखा है बेटा 693 वर्ष, 6 नियतांक की गणना करनी है, लैम्डा निकालना है, तो यहाँ पर सूत्र लगाएंगे बेटा टी बराबर 0.693/λ, और लैम्डा में ज्ञात करना है, तो टी को यहाँ लिख देंगे, लैम्डा को यहाँ और टी को यहाँ लिख सकते हैं, तो बेटा टी कितना दे रखा है 693, अब पॉइंट को हटाएं 1, 2, 3, तो कितनी घात आ जाएगी माइनस की 3, 693 से 693 कैंसिल, दस पे घात माइनस के 3 प्रति वर्ष आ जाएगा, कितना आया 10 पे घात माइनस के 3 प्रति वर्ष। ठीक है बेटा, इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 24। एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्धायु 8 वर्ष है, तो इसके 6 नियतांक की गणना कीजिए, इसमें ही बेटा वही पूछ रहा है, अर्धायु कितनी दे रखी है अर्ध आयु कितनी दे रखी है इसकी, क्वेश्चन नंबर 23 की 60 वर्ष, अर्धायु 60 वर्ष दे, लैम्डा पूछा है, तो वही सूत्र लगाएंगे हम, टी बराबर 0.693/λ, तो 0.693 लैम्डा को यहाँ टी को यहाँ लिख लेंगे, तो टी कितना है बेटा 60, 60 का इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 0.0115 प्रति वर्ष, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक बेटा, इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 24 में कहा एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्धायु 8 वर्ष है, कितने इसके 6 नियतांक, इसमें भी बेटा 6 नियतांक, अर्धायु दे रखा है 8 वर्ष, 6 नियतांक पूछा है, तो अर्धायु बेटा कितनी है 8 वर्ष, 6 नियतांक पूछा, तो सूत्र लगाएंगे लैम्डा बराबर 0.693/T, टी का मान रख देंगे, यहाँ से क्या निकाल लेंगे लैम्डा निकाल लेंगे। ठीक है बेटा, इसके बाद 25वां क्वेश्चन, एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्धायु 10 दिन है, इस पदार्थ का 6 नियतांक, उसमें भी वही करवा रहा है,
अर्धायु कितनी दे रखी है, 10 दिन, 6 नियत अंक पूछ रहा है। तो यहाँ पर भी बेटा हम सूत्र कौन सा लगाएंगे, लैम्डा बराबर 0.693/t, और टी का मान कितना रखना है, 10। तो यहाँ से आंसर निकाल लेंगे, ठीक बेटा। ये इसके आंसर है, ये 25वें का है, ये 24वें का है, ये 23वें का है। 26वां क्वेश्चन है, एक रेडियो एक्टिव तत्व की सक्रियता 30 दिन में घटकर प्रारंभिक सक्रियता की 1/8 रह जाती है। तो 30 दिन में घटकर, तो स्मॉल टी कितना दे रखा है, 30 दिन, सक्रियता रह कितनी जाती है, 1/8 रह जाती है। तो इसका मतलब ये बताओ किसका मान हो गया, आर पॉन आर नॉट का हो गया, क्योंकि 1/8 ही तो रह रही है, तो ये आर पॉन आर नॉट का मान हो गया। ज्ञात कीजिए तत्व की अर्धायु यानी कैपिटल टी ज्ञात करनी है, तत्व का 6 नियतांक यानी क्या ज्ञात करना है, लैम्डा ज्ञात करना है। तो आर पॉन आर नॉट कितना है बेटा, 1/8। तो आर पॉन आर नॉट दे रखा है बेटा 1/8, टी कितना है, 30 दिन, टी कितना है, टी है इसका 30 दिन। तो तत्व की अर्धायु ज्ञात करनी है, टी ज्ञात करना है, मतलब कैपिटल टी ज्ञात करना है, लैम्डा ज्ञात करना है, ठीक है। तो सक्रियता का फॉर्मूला होता है आर बराबर आर नॉट 1/2 पे पावर एन, आर नॉट को इधर पच्छांतर कर देंगे, तो आर पॉन आर नॉट कितना है बेटा, 1/8। आर पॉन आर नॉट कितना है, 1/8, और ये 1/2 पे पावर एन, और 1/8 को कैसे लिख सकते हैं बेटा, 1/2 पे घात 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 1/2 पे घात 3 का मतलब 1/8 हो जाएगा, घातों की तुलना करते हैं तो एन बराबर कितना आ जाएगा, 3। अब यहाँ पे बेटा फॉर्मूला लगा देंगे, एन बराबर स्मॉल टी बट्टे कैपिटल टी, और देखो बेटा एन कितना निकल गया है, 3, तो एन का मान इस एन की जगह पर 3 रख देंगे, और स्मॉल टी कितना है, स्मॉल टी है बेटा 30 दिन, तो स्मॉल टी के स्थान पर लिख देंगे 30 दिन, कितना रख देंगे, 30 दिन। तो टी को यहाँ, 3 को यहाँ लिख देंगे, तो टी कितना आ जाएगा बेटा, 10 दिन आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 10 दिन। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर, लेकिन अभी इसमें 6 नियतांक और पूछा है, क्या पूछा है, 6 नियतांक। तो 6 नियतांक निकाल लेंगे, लैम्डा बराबर 0.693/t, और टी कितना निकल के आया था, 10 दिन, टी कितना आया था, 10 दिन। तो यहाँ पर मान रखेंगे 10, 10 का भाग दे दें, 0.0693 प्रतिदिन आ जाए, वो प्रतिदिन आ जाएगा, ठीक बेटा। अगला क्वेश्चन है, एक रेडियो एक्टिव नाभिक की सक्रियता 40 सेकंड में, तो 40 सेकंड किसका मान हो गया, स्मॉल टी का मान, 50% गिर जाती है। तो 50% गिर जाती है, इसका मतलब है आर अपॉन आर नॉट का मान कितना है, 50%, क्योंकि बेटा हमने बताया था कि जब भी मान प्रतिशत में दिया हो तो वो आर अपॉन आर नॉट का ही मान होगा, अगर सक्रियता है तो, अगर द्रव्यमान है तो एम अपॉन एम नॉट का मान होगा, और यदि परमाणुओं की संख्या तो एन अपॉन एन नॉट का मान होगा, लेकिन यहाँ सक्रियता है तो आर अपॉन आर नॉट कितना है, 50% है। 6 नियतांक क्या पूछ रहा है वो, 6 नियतांक बेटा यहाँ से निकाल लेंगे हम, तो टी कितना दे रखा है बेटा, 40 सेकंड, आर अपॉन आर नॉट कितना है, 50% गिर जाती है, 6 अंक पूछ रहा है। तो 6 नियतांक ज्ञात करने के लिए पहले हमें टी निकालना पड़ेगा, तो 50 को हटाएंगे, बट्टे में 100 लगाएंगे, 100 50 से 100 क्या बार कट जाएगा, 1/2 बार, लैम्डा हमें ज्ञात करना है, ठीक बेटा। तो सक्रियता होती है आर बराबर आर नॉट 1/2 पे पावर एन, आर नॉट को इधर पच्छांतर करें, तो आर अपॉन आर नॉट बराबर 1/2 पे पावर एन, और आर अपॉन आर नॉट की वैल्यू कितनी है बेटा, 1/2। तो यहाँ पर आर अपॉन आर नॉट की ले देंगे 1/2 पे पावर 1, तो घातों की तुलना करेंगे तो एन बराबर कितना आ जाएगा बेटा, 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1। अब एन बराबर तो आ गया बेटा 1, एन बराबर कितना आ गया, 1। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे, एन बराबर स्मॉल टी बट्टे कैपिटल टी, तो कैपिटल स्मॉल टी कितना है, 40 दिन, कितना है, 40 दिन, कितना है, 40 दिन। तो कैपिटल टी कितना हो जाएगा, 40 दिन हो जाएगा। अब निकालना है 6 नियतांक, तो लैम्डा बराबर 0.693/t, टी कितना है, 40, 40 का इसमें डिवाइड लगाएंगे तो ये हो जाएगा बेटा 0.0173/s, ठीक है बेटा, 0.01 प्रति सेकेंड। यहाँ पे बेटा सेकंड दे रखा है, लेकिन प्रति सेकंड होगा, क्योंकि 6 नियतांक का मान प्रति में होता है, प्रति सेकंड हो जाएगा ये, ठीक है। एक रेडियोएक्टिव पदार्थ की सक्रियता 33 वर्षों में घटकर 1/8 रह जाती है, ज्ञात कीजिए। तो सक्रियता बेटा कितनी रह जाती है, 33 वर्षों में, तो स्मॉल टी कितना दे रखा है, 33 वर्ष, 1/8 रह जाती है सक्रिय, तो आर अपॉन आर नॉट 1/8 है, अर्धायु और 6 नियतांक ज्ञात करना है, ठीक है। तो बेटा वैसा ही सवाल है, स्मॉल टी दे रखा है 33 वर्ष,
आर अपॉन आर नॉट कितना, एक बट्टे आर। टी ज्ञात करना है, लैम्डा ज्ञात करना है, क्योंकि कैपिटल टी होती है अर्धायु और लैम्डा होता है छेनियतांक। तो सक्रियता का सूत्र है आर बराबर आर नॉट वन बाई टू पे पावर एन, आर नॉट को इधर ले आएंगे तो आर अपॉन आर नॉट, और आर अपॉन आर नॉट का मान कितना है बेटा, एक बट्टे आठ। तो एक बट्टे आठ बराबर एक बट्टे दो पे पावर एन, एक बट्टे आठ यानी एक बट्टे दो पे घात तीन, घातों की तुलना कर देंगे, एन बराबर कितना आ गया तीन। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे, स्मॉल एन बराबर स्मॉल टी बट्टे कैपिटल टी, एन कितना है तीन, स्मॉल टी कितना है तैतीस, तैतीस ही तो था, तैतीस वर्ष। तो तीन को यहाँ लिख देंगे, तीन ते तैतीस के बार कट जाएंगे ग्यारह बार, तो आंसर कितना हो जाएगा ग्यारह वर्ष। तो कैपिटल टी कितना आ गया बेटा ग्यारह वर्ष। अब निकाल लेंगे इसका छेनियतांक, तो छेनियतांक निकालेंगे, लैम्डा बराबर पॉइंट सिक्स नाइन थ्री बट्टे टी, टी कितना आया ग्यारह, ग्यारह का इसमें डिवाइड कर देंगे, पॉइंट जीरो सिक्स थ्री डबल जीरो नाइन प्रति वर्ष हो जाएगा। ठीक बेटा, इस तरीके से बेटा हमारे 28 तक क्वेश्चन एक्सप्लेन हुए, आगे के क्वेश्चन अगले वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।